दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं कोफाउंडर सीईओ ऑफ स्किल का, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इशू ट्री के बारे में। तो इशू ट्री क्या होता है हम लोग जानने वाले हैं, और इसके बारे में लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, और लास्ट में हम लोग इसको एक यूज़ केस बना के, एक हम लोग केस स्टडी लेके हम लोग इसको क्रिएट भी करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर मैं बात करूं इशू ट्री, जैसे कि मैंने एक नया टॉपिक आपके सामने में छेड़ा है जिसका नाम है इशू ट्री, राइट? तो इशू ट्री होता क्या है? तो बेसिकली इशू ट्री का अगर हम लोग बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है लॉजिक ट्री। ये एक ग्राफिकल ब्रेकडाउन होता है कोई भी एक प्रॉब्लम का, और उसको डिफरेंट डिफरेंट हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में बदल देते हैं, और उसके बाद एक एक करके उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट? ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है किसी भी कंसल्टेंट का। आप अगर देखोगे, जैसे कि जितने भी बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कंसल्टेंट जाते हैं, वो इस इशू ट्री का इस्तेमाल करते हैं उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके रूट कॉज तक पहुँचने के लिए, और ताकि वो उसका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, राइट? तो ये इस इशू ट्री का इन लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इशू, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई, अभी हम लोग को तो ये बात पता चल गया कि इशू ट्री क्या है। तो इशू ट्री एक ग्राफिक, एक टूल है, मतलब कि टूल मतलब ये नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर वाला टूल होता है, टूल मतलब कि आपके आर्सेनल में एक टूल है। पेन एंड पेपर से भी इसको बना सकते हैं, इशू ट्री को बना सकते हैं हम लोग। ऑल्दो हम लोग एक फ्री टूल का यूज़ करके हम लोग इंटरनेट पर बनाएंगे, बट इसको पेन पेपर पर भी बनाया जा सकता है, राइट? नाउ इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही पावरफुल तरीका है कि किसी भी प्रॉब्लम, कोई आपके पास एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम आया कि भाई हमारी, जैसे कि लेट्स से आपके पास एक प्रॉब्लम आया कि हमारी कंपनी में सेल ज़्यादा नहीं हो रही, राइट? तो उस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन करके बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। अभी जैसे कि मैं इसका फ़ोटो डाल देता हूँ जिससे आपको एक नॉर्मल इसका रूपरेखा आपको समझ में आ जाए, नॉर्मल इसका ब्लूप्रिंट कैसा होता है ये आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम होता है, देन प्रॉब्लम से डील करने के लिए इशू वन, मतलब कि उस प्रॉब्लम इस इशू की वजह से हो सकता है, इस इशू की वजह से सकता है, इस इशू की वजह से सकता है, राइट? इशू 1, 2, 3 हो सकता है, 3 रीज़न हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, राइट? नाउ पहला इशू को के अंदर में क्या और इशू आ सकता है, तो उसका सब इशू 1A, 1B करके आ सकता है, राइट? तो इस इशू के अंदर में भी इस, अगर ये इशू आ रहा है तो ये किस किस कारण से आ रहा है, तो इस कारण से आ रहा है। अगर इशू 2 आ रहा है तो किस किस कारण से आ रहा है, इस कारण से आ रहा है। इशू 3 आ रहा है तो किस किस कारण से आ रहा है, इस कारण से आ रहा है, राइट? तो ऐसे ही करके ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि ये इसका एक ब्लूप्रिंट है जिससे हम लोग अभी इसको, इसी ब्लूप्रिंट को हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे और बना के देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं इशू ट्री में, कैसे अपना प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो, कैसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला जो स्टेप होता है वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कीजिएगा तो ही जाके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? बगैर अंडरस्टैंड कर सॉल्व कीजिएगा, आप मारिएगा अंधेरे में तीर, मारिएगा तीर, लगा नहीं लगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े इश्यूज की बात कर रहे हैं, और इससे आप प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हो। अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो इससे अपना कंपनी का प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसको देखने के बाद में आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा लगा और क्या आपका प्रॉब्लम इसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे, ठीक है? नाउ इशू ट्री क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसको अगर हम स्टेप वाइज समझे, तो पहली चीज़, ये आपके प्रॉब्लम का एक क्लियर मैपिंग आपके सामने देता है, आपके सामने में एक नक्शा बना देता है कि ये प्रॉब्लम है। दूसरा, आप बड़े प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम में आप डिवाइड कर सकते हो, और स्मॉल स्मॉल को डील करके बड़े प्रॉब्लम को भी आप डील कर सकते हो। जैसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरा रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसका क्या चीज़ रीज़न हो सकता है, रेवेन्यू आप जनरेशन कैसे बढ़ा सकते हो? तो भाई, उसको बढ़ाने के लिए या तो आप इंक्रीज़ कीजिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, या तो डिक्रीज़ कीजिएगा नंबर ऑफ कॉस्टिंग, राइट? ये दो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गए कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम का ये, तो आप इंक्रीज़ कीजिएगा अपना रेवेन्यू जो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर है तो इंक्रीज़ कीजिएगा, डिक्रीज़ कीजिएगा जो आपके कॉस्टिंग लग रही है। डिक्रीज़ करने में आप क्या कर सकते हो, आप एम्प्लॉय को फायर कर सकते हो जो परफॉर्म नहीं कर रहे, ऑफकोर्स
फिर उसके बाद रिड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल के लिए नया वेंडर खोज सकते हो, अगर आपका रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ऐसा चीज़ या कोई भी वेंडर अपना खोज सकते हो जहाँ जहाँ पे आपको कॉस्टिंग लग रहा है वहाँ कॉस्टिंग बचाने की कोशिश करते हो। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल जो डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं टोटल आपका लगा है पैसा जो आपका इन्वेस्ट हो रहा उनके बीच का डिफरेंस बढ़ेगा तो रेवेन्यू ऑफकोर्स आपका बढ़ेगा। इसको भी हम लोग और क्लियर तरीके से देखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, ये बड़े प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम डिवाइड कर सकते हो और उसके बाद कॉन्क्योर कर सकते हो। राइट नाउ आप इस इशू ट्री को दो हिस्से में बांट सकते हो। एक हिस्से को आप बोल सकते हो कि भाई प्रॉब्लम ट्री, यानी कि ये चीज़ क्यों हो रही है, और दूसरे को बोल सकते हैं सॉल्यूशन ट्री, मतलब कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करना है। तो इसको दो हिस्से में आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, अगेन ये आपको आसान करेगा काफ़ी करना। राइट और इसको आप अपना किसी भी चीज़ का टीम ब्रेनस्टॉर्म के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपने एक इशू ट्री बनाया, टीम के साथ बैठे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे भाई इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट तो हम लोग आगे इसको बना के भी देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी आप स्टे ट्यून रहिए, लास्ट तक रहिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइट नाउ क्या क्या चीज़ें और कर सकते हो, नाउ यहाँ पे आप मतलब कि आप जब क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए इशू ट्री बनाने के टाइम में। सबसे पहला पॉइंट, आप सबसे पहले जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए पहला चीज़ ये। दूसरा, हर प्रॉब्लम को एक साथ डील करने की जगह पे एक बाई एक हर प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। तीसरा, ऐसे पार्ट पे जो आपके पॉसिबल प्रॉब्लम का आउटकम नहीं है, राइट, जिसमें मतलब कि कोई आप निगोशिएट नहीं कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि आप एम्प्लॉय को फायर कर सकते हो जो परफॉर्म नहीं कर रहे, बट आप बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, आप एम्प्लॉय को फायर नहीं करना चाहते हो, तो उसको उस वाले पार्ट को जो एप्लीकेबल नहीं उस वाले पार्ट को छोड़ के आप मूव ऑन करना चाहिए आपको। तीसरा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा, आपको हर पार्ट का रियल इनसाइड रखना, सिर्फ अपने इसके बेसिस पे नहीं रखना, अपने हंच के बेसिस पे नहीं रखना। हंच के बेसिस पे तो कॉमन सेंस के या पॉसिबल के इसके बेसिस पे तो आप पॉसिबल चीज़ बना ले, लेकिन उसके अंदर का जो इनसाइट होगा वो रियल इनसाइट होगा। और उसका पांचवा चीज़ जो है वो चीज़ है कि हर पार्ट की आपके पास में एक क्लैरिटी रहनी चाहिए, आपको हर पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए शीशे की तरह कि भाई ये पार्ट जो हम कर रहे हैं, ये पार्ट हम इसका सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता, इस बात की क्लैरिटी रखिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों से बात कर सकते हो, उनका फीडबैक ले सकते हो, डेटा देख सकते हो। राइट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। राइट तो चलिए हम लोग एक इशू ट्री को क्रिएट करते हैं एक ऐसे बिजनेस के लिए जो बिजनेस, कुछ दिन पहले मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने पूछा था कि मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है जो प्रॉफिटेबल मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों ने एक कम्युनिटी के अंदर में रिप्लाई किया था, तो उन्हीं की इस प्रॉब्लम को हम लोग लेके एक इशू ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें, लाइक कर लें। राइट, उससे हमें फ़ायदा होगा, हमें ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, ज़्यादा लोग हमें देखते हैं तो हमें ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जगह पे बात नहीं की जाती हैं, स्पेशली आपके हिंदी लैंग्वेज में बात नहीं की जाती है, तो उनको भी इस बात से फ़ायदा होगा, तो इसलिए शेयर भी अपने लोगों के साथ इसको करें। तो चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं स्विच कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ में। हम लोगों ने ये देखा कि इशू ट्री क्या होता है, कि उसको क्यों यूज़ करते हैं, कितना पावरफुल टूल है, और हमने ये देखा कि उसके उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या डूज एंड डोंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग रियलिटी में आ रहे हैं और रियलिटी में हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एक मित्र थे जिन्होंने एक कम्युनिटी में पूछा था कि उनका रेस्टोरेंट प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या क्या तरीका हो सकता है प्रॉफिटेबल करने का। तो हम लोग इसी प्रॉब्लम को लेके एक इशू ट्री बनाएंगे, और इस इशू ट्री को बनाने के लिए जैसे कि आप सामने देख रहे हो, सामने में मैं इसको नया कर देता हूं ताकि आप लोगों को यहां से मैं न्यू कर देता हूं ताकि आप लोगों को एकदम न्यू नजर आए। राइट, तो ये एक फ्री का टूल है जिसको आप फ्री का बना सकते हो, 100 KB तक ये देता है, जिसमें अच्छा खासा आप माइंड मैप बना सकते हो, लेकिन इसमें जो भी माइंड मैप बनेगी वो पब्लिक होगी। तो जो भी आप अपना बनाओगे उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको डिलीट कर देना, उस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देना या उसके अंदर के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देना, या सबसे बेस्ट तरीका है कॉपी एंड पेन ले लो और उसके बाद बनाना चालू करो, सबसे अच्छा तरीका कॉपी एंड पेन वाला होता है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डबल क्लिक किया प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इस टूल का लिंक मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भाई इनका जो रेस्टोरेंट है जो है इनका इज नॉट प्रॉफिटेबल, ये इनका
जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि रेस्टोरेंट इनका प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है ना। इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दो चीज कर सकते हैं, एक इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, ये हो सकता है राइट, ये इंक्रीज हो सकता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो इस इनकी ये होगी ज़्यादा, क्या बोलते हैं इनकी इनके इसमें ये ज़्यादा होगा, इनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो इनका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स राइट। और हम क्या कर सकते हैं दूसरा चीज़, तो दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं कि डिक्रीज कॉस्ट, तो जो आपका रेगुलर कॉस्ट लग रहा है उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, और उसको डिक्रीज करने के साथ में हम लोग वहां पे उसको डिक्रीज करने के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पे अगर हम लोग उसका उसका इसका अगर हम लोग कॉस्टिंग अगर डिक्रीज करेंगे राइट, तो उससे क्या फायदा होगा कि ऑफकोर्स रेवेन्यू क्या होता है, टोटल जितना आपने पैसा कमाया और जितना आपने एक्सपेंस किया, जितना आपने खर्चा किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो आप अगर अपना कॉस्टिंग भी डिक्रीज करोगे, जो आपका जो रेगुलर कॉस्ट लग रहा है, तो उस केस में भी आपका रेवेन्यू मतलब कि रेवेन्यू का जो विंडो है वो बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट बढ़ेगी। तो ये दो तरीका हमारे दिमाग में अभी है कि दो तरीके से किया जा सकता है राइट। तो अब हम आते हैं इंक्रीज रेवेन्यू में हम क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज रेवेन्यू में हम कर सकते हैं एक का हम कर सकते हैं कि भाई आप ठीक है, तो इसको हम इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर की जगह इंक्रीज रेवेन्यू बुला लेते हैं इसको, इसके अंदर में हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कर सकते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पहला चीज तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज कर देंगे। दूसरा चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इंक्रीज मेनू प्राइस, तो भैया मेनू में जो आइटम उसका दाम बढ़ाएंगे, अगेन ये अगर हम लोग दाम बढ़ाएंगे फिर मेनू में जो भी आइटम होगा उसका अगर दाम बढ़ेगा तो अगेन रेवेन्यू और कॉस्टिंग और इसका रेवेन्यू के बीच का होगा, तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा ना। अब हम आते हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए। तो पहला चीज़ कि मे बी आपके दुकान में फुटफॉल ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप अपना रेस्टोरेंट पूरा का पूरा ऐसे जगह पर शिफ्ट कर सकते हो जहां पे आपको ज्यादा फुटफॉल मिले। तो यहां पे लिखते हैं शिफ्ट रेस्टोरेंट टू दी एरिया वेयर यू विल गेट मोर फुटफॉल, ये चीज आप कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट के साथ में कर सकते हो कि आप अपने रेस्टोरेंट को ही शिफ्ट कर दिए जहाँ पे आप जिस एरिया में आपको ये जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल मिले, ये एक हो सकता है। दूसरा आप अपना मार्केटिंग बजट बढ़ा सकते हो, या आप इसको हम बोल सकते हैं कि फाइंड डिफरेंट वेज टू प्रोमोट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फाइंड डिफरेंट वेज टू प्रोमोट, ठीक है। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, हम अपना मेनू को चेंज कर सकते हैं, मेनू में कुछ आइटम्स चेंज कर सकते हैं, मेनू में कुछ आइटम हम बढ़ा घटा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो भैया हमारे फ्रेंड ये कर सकते हैं, हो सकता है कि जो आपके पास जनता आ रही है उसके हिसाब से मेनू नहीं, ऑफ कोर्स ये पूरा रिसर्च पे डिपेंड करेगा, फीडबैक पे डिपेंड करेगा, तो आप मेनू आइटम को चेंज कर सकते हैं ना। ये शिफ्ट वाला तो हो गया, अब फाइंड डिफरेंट वेज टू प्रमोट इट, तो क्या क्या चीज हो सकता है, तो एक हो सकता है डिजिटल लोकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हो सकता है फाइंड डिफरेंट वे से, तो आप लोकली प्रमोट हो सकता है, ठीक है। तो लोकरी तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में इनको हेल्प कर सकती हैं, तो इसके अंदर में आ गया ऑफकोर्स हमारा आ जाएगा लोकल SEO, ठीक है। इसके अंदर में और क्या आ जाएगा, इसके अंदर में आ जाएगा कि स्विगी एंड जोमाटो कोलैबोरेशन, जोमाटो से
ओलैप हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में पेड मार्केटिंग आ सकता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में फिर मे बी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ सकता है, इस तरीके से अगर ये प्रमोट करेंगे तो इनका डायरेक्ट रेवेन्यू बढ़ने का चांसेस हो सकता है, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बनेगा उसके अंदर। आप भी और थ्रेड में चलते जाइएगा, वो बहुत बढ़ता जाएगा। लोकली प्रमोट में आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पे पाम्फ्लेट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, पाम्फ्लेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, राइट। यहाँ पे लोकल में आप क्या कर सकते हो तो बैनर लगवा सकते हो कि भाई हमारा होटल है, ये है बैनर्स, राइट। सोसाइटीज़ के अंदर बैनर लगा सकते हो कि हम लोग शायद कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, या हम लोग आपके घर तक डिलीवर करें फलाना ठिकाना। मैं अभी जनरल कंडीशन बात कर रहा हूँ, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं कोविड के हिसाब से, जो अभी कोविड आया, राइट। नाउ तो अभी हम लोग कहोगे ये हो गया, राइट। अब हम लोग आते हैं भाई मेनू चेंज, तो मेनू चेंज में आप क्या क्या पॉसिबल आउटकम कर सकते हो। तो मेनू चेंज में आप कर सकते हो कि ऐड आइटम्स विथ मोर मार्जिन, ऐसा आइटम जिसके साथ में मार्जिन ज़्यादा है आप उसको ऐड कर सकते हो। मेनू के अंदर में आप और क्या चेंज कर सकते हो, तो मेनू के अंदर में आप जो आपका हाई स्टार आइटम जो है ना, आपका स्टार आइटम प्राइस इंक्रीज, तो जो भी आपका स्टार आइटम है जिसके लिए लोग आपके यहाँ खाने के लिए आते हैं, जिसके लिए स्पेशली है, उसका आप दाम थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत बढ़ाइएगा क्योंकि वो नंबर में बिकता आपका, राइट। तो अगर आप लेट से कि अगर मान लेते हैं कि उसका दाम आप एक रुपया या दो रुपया बढ़ा देते हो, तो वो नंबर में चूंकि बिकता है तो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है, इसलिए ऐसा इतना ज़्यादा भी मत बढ़ा दीजिए कि पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव इट, राइट। लेकिन आप ऑफकोर्स स्टार आइटम कोई खाने आता है उसमें ज़रा सा अगर ऊपर नीचे दाम होगा, ज़रा सा दाम ऊपर नीचे होगा, तो मे बी लोग उसको परचेस करें क्योंकि ऑलरेडी उसके एडिक्टेड हो चुके हैं लोग, तो ज़्यादा इंक्रीज मत कीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप इंक्रीज करके अपने इसको आप बदल सकते हो, आप इसको बदल सकते हो, राइट। इंस्टेड ऑफ इसको ना, हाँ इंक्रीज, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे, हाँ सॉरी ये मेनू चेंज में नहीं आएगा, ये हाँ ये होगा इंक्रीज, ये मेनू प्राइसिंग में आएगा, ये वाला इसमें आएगा, सॉरी ये इसमें आएगा। तो मेनू चेंज के अंदर में आप क्या कर सकते हो, तो मेनू चेंज के अंदर में आप बेसिकली आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, मेनू चेंज के अंदर में आप इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्शन, स्टार आइटम प्रोडक्शन, जो आपका स्टार आइटम है उसको आप, उसका प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि उसको लोग ऑलरेडी पसंद कर रहे हैं। और क्या कर सकते हो, तो डिक्रीज और रिमूव लोअर सेलिंग आइटम, इससे आप अपना इन्वेंट्री को ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, जो कम बिक रहा है उसके पास आपके पास रहते रह के खराब हो जाता है, उससे अच्छा या तो उसको हटा दो या तो खत्म कर दो, राइट। नाउ इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो जो मेनू चेंज में, कि आप एक्सपेरिमेंट एक कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटिकल कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट विथ न्यू आइटम, न्यू आइटम को इंट्रोड्यूस करके लेट से एक हफ्ता तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर वो आइटम अच्छा चलता तो आइटम को आप परमानेंट कर लेते हो, फिर उसके बाद अगर नहीं चलता तो उसको हटा देते हो। तो इससे क्या होता है, आप नया वर्टिकल भी खोज सकते हो अपने रेस्टोरेंट के अंदर में, कि नई नई चीज़ें हम लोग क्या क्या हम लोग नई नई चीज़ें हम लोग इसके अंदर में कर सकते हैं, राइट। नया नया आइटम भी आ जाएगा, हो सकता है उसमें से कोई स्टार आइटम आपका निकल आए, राइट। नाउ अब हम लोग आते हैं, ये तो इंक्रीज रेवेन्यू वाला साइड आ गया, राइट। तो अब हम लोग आते हैं डिक्रीज कॉस्ट में, इस बिजनेस में डिक्रीज कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज होता है, पहला कॉस्टिंग होता है रेंटल का बिजनेस भाई, कि जो स्पेस है उसका रेंटल है, राइट। तो ये कॉस्टिंग होता है, और क्या कॉस्टिंग होता है आपका, आप दूसरा कॉस्टिंग होता है सैलरी, और तीसरा जो कॉस्टिंग होता है जो रेस्टोरेंट बिजनेस होता है वो होता है रॉ मटेरियल का आपका कॉस्टिंग होता है, ठीक है ना। रेंटल का आप क्या कर सकते हो, इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है रेंटल का, तो आप सिंपल सा शिफ्ट कर सकते हैं जिस लोकेलिटी में शायद कम रेंट लगे, लेकिन अगेन यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फुटफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा डेटा आपको देखना पड़ेगा कि अगर रेंटल में थोड़ा बढ़ भी जाता है लेकिन फुटफॉल
मेरा रेंटल 5% बढ़ता है लेकिन फुटबॉल मेरा 100% बढ़ जाता है, तो हम क्या उससे रेंट निकाल के कर सकते हैं? तो ये बैठ के आपको अपने खाता में इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे, इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। नाउ सैलरी की बात आती है, और यहाँ पे ये वाला काम स्टार्टअप्स भी करते हैं जब उनके पास में फंड खत्म होने लगते हैं। तो सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में आप जो फायर कर सकते हो, जो लो परफॉर्मेंस या एम्प्लॉई हो या जो जबरदस्त बेकार का टाइम खराब कर रहे हैं कर सकते हो। ये सैड ट्रूथ है, फायर करने का लोगों को ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना पड़ेगा, अगर इंक्रीज करना रेस्टोरेंट, देखो बंद करने से अच्छा है कि तुम फायर करके रेस्टोरेंट को सस्टेन करने की कोशिश करो, बंद हो गया उसके बाद तो अलग बात है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इनको तुमने कर दिया। दूसरा तुम कर सकते हो ऐसे, ये वाला काम करना नहीं चाहिए लेकिन ये बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो मार्केट रेट है किसी शेफ का, उससे आप दुगुना सैलरी देते हो अपने शेफ को देते हो, तो क्योंकि वो अच्छा खाना बनाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो शेफ पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है, तो इस पे आप हाथ ना ही लगाओ तो बेटर है। बट लेकिन ये एक अल्टरनेटिव है कि आप क्या कर सकते हो कि रिप्लेस कर सकते हो, समझे, गुड रिसोर्सेस विथ लोअर सैलरी, ठीक है। लेकिन इस पे हाथ ना ही लगाओ तो बेटर है, इस चीज पे नहीं लगाओ तो बेटर है ना। अब हम लोग आते हैं रॉ मटेरियल पे। तो रॉ मटेरियल पे आप क्या कर सकते हो, तो सीधी सी बात है, अपना वेंडर चेंज करो भैया, जो बेटर प्राइस देगा और सेम क्वालिटी देगा वेंडर देगा। क्वालिटी से इसमें रॉ मटेरियल में क्वालिटी से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, राइट ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्ट, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बेटर स्टोरेज। नाउ ये इन्वेस्टमेंट आपको करने क्यों बोल रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा आइटम आपके पास में आता है, जो आइटम आपके पास में स्टोर में रहा और वो रखे रखे खराब हो जाता है। तो अगर आपका बेटर स्टोरेज होगा तो उसको खराब होने का क्षमता जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, वो मतलब कि उतना जल्दी नहीं होगा, तो आपका जो वेस्टेज ऑफ मनी है यहाँ पे रुक जाएगा। वेंडर चेंज कीजिएगा, वेस्टेज ऑफ मनी रुक जाएगा। सैलरी वाला पार्ट में देखिए, वेस्टेज ऑफ मनी जो या ज़्यादा मनी लग रहा है, वेस्टेज तो नहीं, वो ज़्यादा मनी लग रहा है, वो मनी जो है वो आपका बच जाएगा। और रेंटल में भी वो मनी आप बचा सकते हो अच्छे से, राइट। तो ये हो गया कॉस्टिंग कहाँ से डिक्रीज करेंगे, और इस तरफ वाला हो गया आपका इंक्रीज कैसे रेवेन्यू करेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे हमको पता चल गया कि भाई हम अपना किस किस चीज़ों को हम लोग कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब एक से डील कीजिए, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर है, शिफ्ट रेस्टोरेंट टू अ न्यू एरिया वेर यू विल गेट मोर फुटफॉल, देन एक बार इधर वाला डिक्रीज कॉस्ट में रेंटल में भी शिफ्टिंग मिले, दोनों जगह शिफ्टिंग मिल रहा है, तो दोनों जगह के मिला के आप देखिए कौन सा ऐसा जगह जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़े और आपको वहां से फुटफॉल भी बढ़े, क्योंकि वहां पे उस टाइप के लोग भी हों, राइट। अब आप चिकन बेच रहे हो, चिकन का आइटम बेच रहे हो रेस्टोरेंट में, और वो आप है उस जगह पे जहां पे वेजिटेरियन लोग रह रहे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस टू हैव दैट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट इन टू दैट प्लेस, राइट। तो वो शिफ्टिंग आपको सोचना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको डिफरेंट वेज टू प्रमोट है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आप क्या कर सकते हो, तो लोकल एसईओ, तो उस पर काम करना चालू कर दिया, स्विगी जोमैटो से कोलैबोरेशन काम करना चालू कर दिया, पेड मार्केटिंग उसके में काम करना चालू कर दिया, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग उसमें काम करना चालू कर दिया। वैसे ही लोकली प्रमोट है, वैसे ही मेनू के अंदर में चेंज करने के बाद में आप अलग कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया, ये और भी बड़ा बन सकता है, और भी चीजें इसके अंदर में आ सकती हैं, बट ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है रेस्टोरेंट बिजनेस का, जो भी मेरा अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से बनाया। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा माइंड मैप से मैंने इशू ट्री को बनाया है, जिसमें इशू ट्री में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ट्री दोनों है, इसमें सॉल्यूशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है लेकिन साथ में इसके साथ सॉल्यूशन भी आ रहा है, राइट। उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें बेसिकली व्हाई एंड हाउ दोनों चीज इसमें आ रहा है, राइट। तो ये इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो किसी भी बिजनेस के लिए, इसको आप यूज कर सकते हो अपना प्रोडक्ट भी डेवलप करने के लिए, राइट। लेकिन एक प्रॉब्लम को एक बार में डील कीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी होगा इसमें काम करने के लिए। तो यही है दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो सबसे इम्पोर्टेंट बात, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। और कमेंट में ये भी आप बता सकते हो कि अगर आपने अपना कोई इशू ट्री बनाया है और उसका कोई आपने उसका कोई इमेज आपने क्रिएट किया है,
राइट, या तो पेन पेपर में या कहीं भी क्रिएट किया तो उसको किसी कहीं पे आप अपलोड कर दो, मे बी इमगुर में अपलोड कर दो, और उसका लिंक जो है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो। उसको एक बार हम लोग देखने के बाद में हम लोग कमेंट करेंगे कैसा है कैसा नहीं है और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने एक बड़े प्रॉब्लम को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर लिया। अब हमें इस प्रॉब्लम को, जैसे कि हमने पूरी वीडियो में बात की है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से हम लोगों को इससे डील करना पड़ेगा। इससे डील कैसे कर सकते हैं वो आपको अपने लेवल पे डील करना पड़ेगा, आपकी कैपेसिटी लेवल पे, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, आपके कॉस्टिंग लेवल पे, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बट हमें एक रास्ता दिख गया अपना एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो दोस्तों यही है इशू ट्री, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो और इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सकते हो। इसको आप फ्रीलांसिंग बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रीलांसर हो तो अपने ऐसे ही आपका इशू आया, आपका एक प्रॉब्लम आया कि जैसे कि SEO के अंदर में रैंकिंग नहीं हो रहा है, तो उसका पॉसिबल रीज़न हो क्या हो सकता है, साइट ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑन पेज नहीं किया गया, ऑफ पेज नहीं किया गया, उसका पॉसिबल अपने इशू एंड सब इशू को एक एक करके आप सॉल्व भी कर सकते हो अपने क्लाइंट के साथ में, या पेड मार्केटिंग है या कोई भी मार्केटिंग है। तो इसको मैंने अपने अपने कैरियर में बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत पहले से मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ उसको, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस पे मेरे पे मतलब कि ट्रस्ट मी ऑन दैट कि अगर ये आपके पूरे के पूरे कैंपेन का शक्ल चेंज कर सकता है, अगर आपको ये चीज़ आप अगर इफेक्टिवली अगर आप सीख गए तो। मैं यूजली पेन एंड पेपर पे करता हूँ, आपको मैंने दिखाया है एक फ्री टूल के थ्रू, आप पेन एंड पेपर पे भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अगली बार कोई भी वीडियो लेके आएंगे तो वो आपको मिलेगी। और हमने ये वादा किया है कि अगले 30 दिनों तक कुछ ना कुछ वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, तो बहुत ही हाई वैल्यू हाई डोज आप लोगों को मिलने वाला है, हाई मोटिवेशन और हाईली इफेक्टिव काम जो आप अपने बिजनेस पे डे टू डे कर सकते हो वो आपको मिलने वाला है। तो ज़रूर ये चीज़ कर लें और आपसे मिलते हैं हम लोग कभी किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए और मिलते हैं कल। थैंक यू।